आपको पता है पिछली बार क्या हुआ था, हमारे भी अफसर बताए थे, तो वो आप जरा पुलिस का ताउन देकर पूरा पीसफुली करने के लिए आपको दुकानों को ज्यादा ऑर्डर हुआ जाहिरीन को जो है मातमदार गुरुओं को बहुत तकलीफ होती वहाँ पे, क्योंकि अगर आप डिमोलिश करे तो मेहरबानी होगी। रोड वाइंडिंग में रुके कई वर्षों से रुके हुए हमारे रोड सिटी में, जो जंक्शन है 20 साल से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और इम्पोर्टेंट जो होता है हमें जहाँ ट्रैफिक जाम हो रही और जब बी का आलम आता तो वहाँ काफी देर रुकता, सारे जायरीन वहाँ पे सराउंडिंग में पूरे जो भी ज्यारत करते हैं। इंतजाम के सिलसिले में हमारे माइनॉरिटी मिस्टर कपूलेश्वर साहब की सदारत में मीटिंग हुई और तफसील से तमाम जितने दरगाहों के मुतवल्ली हजरात थे उनके क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम पेश किए और मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदारों को बुलाया गया। ख़ासतौर से इसमें GHMC और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि GHMC की तरफ से बहुत साफ़ सफाई का इंतजाम किया जाता है और पुलिस की जारी से बंदोबस्त का इंतजाम किया जाता है। पिछले साल मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं अगर मुहर्रम का अहतमाम किया गया तो हमारे तेलंगाना में किया गया, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था और जो भी जायरीन वहाँ पर आते हैं, जो लोग मातम करते हैं, गम मनाते हैं, उनके साथ हम लोग बराबर के शरीक हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की सदारत में जितने आशुर खान हैं उनको कुछ ना कुछ जो मदद की जाती है ज़रूर इस मरतबा भी की जाएगी। कुछ लोगों ने उसमें इजाफा की बात की, वो गौर करने के बाद जहाँ तक हो सके जाओ जो भी आशुर खान हैं जो बारिश की वजह से या खदीम होने की वजह से और डैमेज हो सके जो हो सकता है बजट से, वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन साहब की तरफ से ज़रूर उसे तामीर की जाए।